नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एक्सेंट्स इन हिंदी। बिफोर वी स्टार्ट, हम आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रीवियस वीडियो था, दैट इज बिगिनर्स गाइड टू मेकिंग अ सिंपल पोस्टर रेजिन के साथ, आप लोगों ने हमको बहुत प्यार दिया है एंड वो वीडियो बहुत अच्छे से एक्सेप्ट हो रहा है आप सबसे, तो वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। आज हम लोग के पास एक थोड़ा सा यूनिक वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग एक नए मटीरियल के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज सिलिकॉन। सिलिकॉन सुन के काफ़ी लोग कई बार इंटिमिडेट हो जाते हैं या डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि सिलिकॉन यूज़ करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन एक्चुअली सिलिकॉन यूज़ करना बहुत ईजी है एंड एक बार आप सिलिकॉन यूज़ कर लें और आप सीख लें कि सिलिकॉन से मोल्ड कैसे बना सकते हैं, आपके पास एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगे टू क्रिएट वॉट एवर यू वॉन्ट। इस बहुत ही बिगनर फ्रेंडली ट्यूटोरियल में हम लोग एक सिंपल कोस्टर बनाने वाले हैं और उस सिंपल कोस्टर का एक मोल्ड बनाने वाले हैं विथ आवर हैक्सन सिलिकॉन। इस DIY के लिए आपको लगेगा हैक्सन का इजी मोल्ड सिलिकॉन, पार्ट ए या पार्ट बी। आपको लगेगा एक वेइंग मशीन ताकि आप अपने उसको करेक्ट प्रपोर्शन में मिक्स कर पाओ। आपको लगेगा मास्टर, यानी कि जो भी चीज़ जिसका आप मोल्ड बनाना चाहते हो। इस पर्टिकुलर वीडियो में, इस DIY में हम लोग ये कोस्टर यूज़ कर रहे हैं जिसमें बहुत सारी डिटेलिंग है एजेस पे, और ये फ्लैट कोस्टर है और हम लोग इसका मोल्ड बना रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम अ फ्लैट कोस्टर, अगर आपको कोई और चीज़ का मोल्ड बनाना है और आपको एक सिंपल मोल्ड बनाना है, तो हम रेकमेंड करते हैं कोई आप क्रिस्टल, जैसे हमारे पास ये एक हिमालयन क्रिस्टल है, आप इसे यूज़ कर सकते हो, ये स्टोन को यूज़ कर सकते हो। इन सब का मोल्ड बनाना बहुत ही आसान है। स्टार्ट, हम लोग एक बेसिक कप ले रहे हैं जिससे हम सिलिकॉन वे करेंगे। सिलिकॉन को 1:1 रेशियो में मिक्स किया जाता है। बिफोर वी स्टार्ट, हमको आपको बताना है थोड़ा और हमारे सिलिकॉन के बारे में। ये हमारा इजी मोल्ड सिलिकॉन है, इसलिए हम इसे 1:1 रेशियो में यूज़ करते हैं। मार्केट में जो बाकी सिलिकॉन्स अवेलेबल हैं, जो इंडस्ट्रियली सिलिकॉन्स यूज़ होते हैं, वो कई बार 20:1 के रेशियो में या बहुत अलग अलग रेशियोज में यूज़ होते हैं, लेकिन ये बहुत सिंपल ईजी टू यूज़ सिलिकॉन है, इसलिए हम लोग जो DIY कर रहे हैं, हम लोग इसके साथ कर रहे हैं। ये नॉन टॉक्सिक है, फूड सेफ है, और इस सिलिकॉन में जब हम लोग मोल्ड बना देते हैं, आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, रेजिन डाल सकते हैं, चॉकलेट डाल सकते हैं, सोप डाल सकते हैं, वैक्स डाल सकते हैं, जेस्मोनाइट डाल सकते हैं, कॉन्क्रीट डाल सकते हैं, पॉसिबिलिटीज बहुत एंडलेस हैं। एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम लोग सिलिकॉन के साथ काम कर रहे हैं, वो है कि सिलिकॉन डिटेल्स बहुत इजीली पिकअप करता है। जो भी डिटेल्स हैं आपके मास्टर पर, सिलिकॉन वो बहुत इजीली एंड बहुत ब्यूटीफुली पिकअप करेगा। तो जो भी फिनिश है आपके सरफेस का, आपका जो भी मास्टर है, अगर आपके सरफेस आपका ग्लॉसी है, तो सिलिकॉन का जो मोल्ड बनाओगे और उसमें बाद में जब कास्ट करोगे तो वो भी ग्लॉसी रहेगा। अगर वो मैट है तो वो भी मैट रहेगा। जो भी डिटेल्स हैं वो बहुत उभर कर आती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बिना ग्लव्स के अपने मास्टर को हाथ लगाऊं और उस पर मेरे फिंगरप्रिंट्स भी आ जाए, तो वो सब फिंगरप्रिंट्स भी सिलिकॉन मोल्ड पर दिखाई देंगे। बेसिकली जैसा आपका मास्टर होगा वैसा आपका मोल्ड होगा। ये गोल्डन रूल है सिलिकॉन का, गोल्डन रूल है हमारे हैक्सन इजी मोल्ड सिलिकॉन का। ये ट्यूटोरियल के लिए हम लोग 175 ग्राम्स ऑफ पार्ट ए एंड 175 ग्राम्स ऑफ पार्ट बी यूज़ करने वाले हैं। हम लोग दोनों चीज़ों को बाय वेट मिक्स करने वाले हैं, नॉट बाय वॉल्यूम। आप अपना वेइंग स्केल पे वेट ज़ीरो करें एंड हम लोग अभी पॉर कर रहे हैं सिलिकॉन को। जब हम लोग ये मिक्स कर रहे हैं, हम लोग ये दो बैचेस में कर रहे हैं ताकि हमें हमारे मास्टर के सब डिटेल्स क्लियरली आए। हम लोग पहले एक बैच को थोड़े से सिलिकॉन को लेकर अपने हाथ से पूरे मास्टर को कोट करेंगे। इससे क्या होता है कि जो बबल्स आते हैं सिलिकॉन में, वो इस मोल्ड को हैम्पर नहीं करेंगे।
जो प्रोफेशनली हैंडमेड मोल्ड्स बनते हैं उन्हें डीगैस किया जाता है, यानी कि उन्हें एक वैक्यूम चेंबर में डाला जाता है ताकि उनका ताकि कोई भी बबल्स उस मोल्ड में ना रहे। जब आप अपना DIY कर रहे हो इजी मोल्ड सिलिकॉन के साथ, जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारा सरफेस है मोल्ड का उस पर कोई भी बबल्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि उससे हमारे मोल्ड का टेक्सचर खराब हो जाएगा। जो बाकी एरिया में अगर बबल्स हों तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा आपके वर्क ऑफ आर्ट को। तो अगर आप जो हम स्टेप्स बोलते हैं इस वीडियो में उसे क्लियरली फॉलो करेंगे, उसे केयरफुली फॉलो करेंगे, तो आपको सरफेस लेवल पर कोई भी बबल्स नहीं होंगे और आपका पीस ऑफ आर्ट एकदम परफेक्ट रहेगा। जब हम लोग सिलिकॉन को स्टर कर रहे हैं, जस्ट लाइक हम लोग रेजिन को स्टर करते हैं, हमें एक होमोजीनियस मिक्सचर क्रिएट करना है। हाउएवर, क्योंकि सिलिकॉन एक ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंस है, आपको बबल्स ज़्यादा दिखेंगे। हम लोग रेकमेंड करते हैं कि आप ये बबल्स देखकर स्ट्रेस नहीं हो, क्योंकि ये बबल्स बहुत ही नॉर्मल है और जो हम लोग स्टेप्स बोलेंगे उससे आपके सर्फेस लेवल पर बबल्स नहीं होंगे। जब आप स्टर कर रहे हो तो इन दी एंड आप एक फोल्डिंग मोशन यूज़ करें, ताकि जैसे हम लोग ऑफन केक्स बनाते हैं तब यूज़ करते हैं। एंड एज हम लोग रेजिन के बारे में भी हमेशा बोलते हैं, आपको एजेस स्क्रेप करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम लोग हमारे सिलिकॉन के साथ एक थिन लेयर कोट करेंगे हमारे मास्टर पर, ये इंश्योर करता है कि कोई भी बबल ना हो। मैं अपना फिंगर यूज़ कर रही हूँ सिलिकॉन का एक थिन कोट करने। जब हम लोग सिलिकॉन पोर करते हैं, हम उसे थोड़े हाइट से पोर करते हैं, ताकि जब वो थिन स्ट्रीम आ रहा है मैक्सिमम बबल्स तभी ये पॉप हो जाए। एंड जब भी हम लोग पोर करते हैं, वी हैव टू मेक श्योर कि हम लोग एजेस से स्टार्ट करें पोर करना। तो 1.5 घंटा हो चुका है जब से हम लोग ने सिलिकॉन को पोर किया था हमारे इस कंटेनर में, और अभी हम लोग डीमोल्ड करने को, यानी कि इसको हमारे कंटेनर से निकालने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अभी हम इसे डीमोल्ड करने जा रहे हैं। तो एज यू कैन सी, हम लोग ने बहुत इजीली हमारा
कोस्टर डीमोल्ड कर दिया है, और अगर आप इसके एजेस देख सकते हैं तो जो भी कोस्टर पर एजेस पर डिटेल्स थे, जो भी वो रिजेस थे सिलिकॉन मोल्ड पर, पूरी तरह से क्लियरली दिख के आ रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं इसका सर्फेस फुल्ली स्मूथ है, सर्फेस लेवल पर कोई भी बबल्स नहीं है। जैसे कोस्टर का सर्फेस था वैसा ही सर्फेस रेप्लिकेट हुआ है इस मोल्ड में। ऑलराइट, तो हमारा सिलिकॉन मोल्ड अभी यूज़ करने के लिए तैयार है, और हम लोग ने हमारा रेजिन मिक्स कर दिया है ताकि हम इस मोल्ड में पोर कर सकें। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये बेसिक मिक्सचर्स और ये बेसिक कोस्टर के लिए रेजिन को कैसे प्रिपेयर करें, हमारे पास ऑलरेडी एक वीडियो है जो हमारे यूट्यूब चैनल पर हमने डाली हुई है। अब हम थोड़ा सा फ्लूइड आर्ट करने वाले हैं हमारे इस कोस्टर मोल्ड में। गाइस, मैं आपको बस बताना चाहती हूँ कि जब तक मैं ये सब फिनिश कर रही हूँ, आप प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए। जब भी आप लाइक करते हैं हमें बहुत इंकरेजमेंट मिलती है और वीडियोस क्रिएट करने के लिए। ऑलराइट, तो हमारा ये छोटा सा एक डिज़ाइन रेडी हो चुका है। जब हम लोग हमारा रेजिन क्योर हो जाएगा तो हम लोग उस पर बहुत सारे एडिशनल टचेस क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि हम हमारे कोई भी रेजिन है चाहे हाइलाइटर्स के साथ एजेस कोट कर सकते हैं। बट फॉर नाउ हमें इसे क्योर होने छोड़ना है। रेजिन को क्योर होने के लिए अराउंड 24 आवर्स लगते हैं, कभी कभी और जल्दी हो जाता है, बट हम इसको अभी 24 आवर्स के बाद हैंडल करेंगे। हम लोग बहुत एक्साइटेड है देखने के लिए कि इसके साथ क्या होगा। इस पर्टिकुलर कोस्टर के लिए हम लोग ने सिर्फ एक ही पिगमेंट यूज़ किया है जो हम लोग ने इफेक्ट्स क्रिएट किया है, और ये कलर पैरेट ग्रीन है। हमारा एक नया पिगमेंट है जो हमने एक्चुअली अभी तक लॉन्च भी नहीं किया है, बट फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग को एक्सपेरिमेंट करना था कि कैसा लगता है कोस्टर्स में, कैसा लगता है, एंड वी आर रियली हैप्पी कि इसका कैसा इफेक्ट आया है। होपफुली बाय द टाइम ये वीडियो रिलीज होती है हम लोग ने ये शेड लॉन्च कर दिया होगा एंड अवेलेबल होगा फॉर यू टू परचेज ऑन boreali.com। ऑलराइट, तो हमारी रेजिन पॉर किए हुए 24 घंटे हो चुके हैं एंड हमारे दोनों रेजिन के पीसेस क्योर हो चुके हैं 100%, और हम लोग डीमोल्ड करने के लिए अभी पूरी तरीके से तैयार हैं। प्लीज़ रिमेंबर, अभी ये मोल्ड्स आपके लिए लाइफ लॉन्ग एसेट्स बन चुके हैं, यानी कि आप कभी भी इसमें कुछ भी रेजिन के अलावा आप कुछ भी कॉन्क्रीट चॉकलेट वैक्स भी डालकर इस मोल्ड को यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए जो हम लोग ने रेजिन पॉर किया था हम उसे डीमोल्ड कर आपको दिखाएंगे। तो टू स्टार्ट विथ, हम लोग ने जो हमारा कोस्टर मोल्ड बनाया था हम इसे डीमोल्ड कर रहे हैं। एज यू कैन सी इसके एजेस पर वो सब डिटेल्स आए हैं जो ओरिजिनल कोस्टर में थे। बहुत ही क्लियरली सब डिटेल्स आते हैं जो भी एजेस पे होते हैं। इस कोस्टर की खासियत ये थी कि इसके रिजेस बहुत डिटेल थे एंड बहुत अनइवन, एंड इनमें बहुत नेचुरल फिनिश था, एंड इसी को हम लोग रेप्लिकेट कर पाए हैं हमारे ये रेजिन के कोस्टर में थैंक्स टू द सिलिकॉन मोल्ड। जो हम लोग ने दूसरा पीस बनाया था हमारे सिलिकॉन के साथ वो था एक क्रिस्टल, एक हिमालयन क्रिस्टल का हम लोग ने मोल्ड बनाया था, हम अभी उसे भी मोल्ड करने जा रहे हैं। प्लीज नोट, हमारा जो सिलिकॉन मोल्ड है वो बहुत स्ट्रांग है, तो आप उसे जितना भी रफ तरीके से यूज़ करना चाहे, जितना भी स्ट्रेंथ से आप उसको खोलना चाहे आप खोल सकते हैं और उसे कुछ भी नहीं होगा। तो थोड़ा सा स्ट्रेंथ आप दम लगाना पड़ेगा आपको वाइल्ड ओपनिंग, वाइल्ड डी मोल्डिंग स्पेशली ये क्रिस्टल मोल्ड। तो एज यू कैन सी, अगर मैं आपको दूर से दिखाऊं तो एक्चुअली अगर मैं आपको पास से भी दिखाऊं तो ये एक्चुअल का एक क्रिस्टल लगता है, क्योंकि जो भी डिटेल्स ओरिजिनल क्रिस्टल पर थे, जो भी शाइन कुछ क्रिस्टल्स के एजेस पर थे, वो सब रेप्लिकेट एकदम परफेक्टली हुए हैं। उसका टेक्सचर भी एकदम वो रियल क्रिस्टल की तरह है, एंड ये मोल्ड के साथ आप चाहे जितने रेजिन के क्रिस्टल्स या चॉकलेट के क्रिस्टल्स भी बना सकते हैं। जब आप सिलिकॉन मोल्ड यूज़ करेंगे आप अमेज होंगे कि कितना सिमिलर रिजल्ट मिलता है टू योर ओरिजिनल मास्टर। जब आप अपना ओरिजिनल मास्टर देखेंगे, जो भी उसके एजेस शाइनी है वही एज शाइनी होगा आपके फाइनल प्रोडक्ट में। तो पॉसिबिलिटीज बहुत ही एंडलेस हैं और डिटेलिंग इसमें बहुत स्ट्रांग है। इवन दो ये बहुत बिगिनर फ्रेंडली किट है एंड बहुत ईजी टू यूज है, जो फिनिश है प्रोडक्ट का वो बहुत बहुत प्रोफेशनल और बहुत प्रोफेशनल और बहुत ही स्ट्राइकिंग है।
गाइस, तो ये जो हमारा सिलिकॉन है, हम इसे एक स्टार्टर किट बनाकर ऑलरेडी हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, एंड हम लोग ये स्टार्टर किट को एक नेचुरल क्रिस्टल के साथ बेचते हैं। यानी कि अगर आपको एक ऐसा क्रिस्टल रिक्रिएट करना है, एवरीथिंग यू नीड, जो भी आपको ज़रूरत होगी आपको उस स्टार्टर किट में मिलेगा। एंड एक बार आपने वो मोल्ड बना दिया, आप वो क्रिस्टल को चाहे जितने कलर्स में, चाहे जितने स्टाइल्स में बना सकते हैं, क्योंकि ये मोल्ड इन्फिनेटली रियूजेबल है। ये जो हम लोग सिलिकॉन यूज़ करते हैं, ये प्रीमियम सिलिकॉन है, एंड इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, इसलिए हमें इतने प्रोफेशनल रिजल्ट्स मिलते हैं, इतने स्ट्राइकिंग, इतने परफेक्ट रिजल्ट्स मिलते हैं, जहाँ पर ओरिजिनल मास्टर का क्वालिटीज़ और ओरिजिनल मास्टर का कैरेक्टर एकदम फुल्ली रेप्लिकेटेड होता है। हमारे जितने भी कस्टमर्स ने एक बार सिलिकॉन खरीदा है और कोई ना कोई मोल्ड बनाया है, वो हमारे पास बार बार रिपीटेडली सिलिकॉन ऑर्डर करते हैं, ताकि वो और चीज़ों के मोल्ड्स बना सके और वो और अपने आर्ट को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सके। तो वी होप कि आप भी सिलिकॉन ट्राई करें, वी होप कि आपको ये DIY अच्छा लगा, एंड आप भी कोस्टर्स, जेमस्टोन्स, जियोड सब बनाने की कोशिश करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको जो भी और वीडियोस देखनी है या सिलिकॉन के बारे में क्वेश्चंस, हमारे कमेंट सेक्शन पर डालिए। हम आपके लिए और ऐसे वीडियोस बनाते रहेंगे। वी होप यू एंजॉय।